मकराई समाचार रहटगांव। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विशाल आम सभा एवं रैली का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त सम्मेलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जमकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सहित कांग्रेस के कमलनाथ पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह ने तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ा चोर और भ्रष्टाचारी तक कह दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरताप शाह तिलगाम ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है। वहीं आदिवासी समाज की गोंडी संस्कृति धर्म संकट में है, इसे खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है। उन्होंने आगामी 2023 के चुनाव में प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही। साथ ही आदिवासी समाज जनों से एकजुट होकर एक बार गोंडवाना सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में गणतंत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलवीर सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष हरताप शाह तिलगाम, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह बलोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन पटेल उइके सहित कई जिलों से पदाधिकारी शामिल हुए। इस गोंडवाना भूमि के अंदर रहने वाले आदिवासी मूल निवासी गोंडियन समाज को अपने धर्म, भाषा और संस्कृति की जानकारी दी, गांव गांव तक फैलाने का काम किया और आज उनका जो संदेश था वो पूरे देश के अंदर, लगभग देश के अंदर 14 राज्यों में गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चल रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम रावण कंगाली जी की जो जोड़ी थी हीरा मोती की, उनके अंदर उनका लक्ष्य यही था कि ये मेरा जो कोयतूर समाज है, मेरा जो गोंडवाना का गोंडियन समाज है, ये अपने धर्म को जाने, ये अपनी भाषा को जाने, ये अपनी संस्कृति को पहचाने, ये उनके देवधामी को जाने, उनके संस्कारों को पहचाने, नेम दस्तूरों को पहचाने और अपनी बोली भाषा को जाने, अपने जल जंगल जमीन को जाने, उनके अपने अधिकारों को पहचाने। इस आशा और विश्वास को लेकर के ये आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के पश्चात कि मेरा समाज अपने हक और अधिकार की लड़ाई, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई, अपने धर्म भाषा संस्कृति की लड़ाई, हमारी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू की लड़ाई, हमारे बुजुर्गों के मान और सम्मान की लड़ाई अलग से नहीं लड़ पा रहा। डालो कह रहे थे हमारे कोई नहीं सुन रहा। अरे कैसे नहीं सुनेगा, उनका बाप भी सुनेगा, सुनाने वाले तैयार तो हो। सारे लोग मिलकर आज यहाँ इकट्ठे बैठे, जहाँ भी ऐसी कोई घटनाएं होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ होती हो, हमारे बुजुर्गों के साथ होती हो, हमारे जल जंगल जंगल जमीन छीने जाते हो, एक आदमी नहीं जाना, सब मिलके जाओ और वहीं घेर के और बोरा ढाक ढाक के मारो, कैसी समस्या समाधान नहीं होगी। हम ऐसा हाथ जोड़ के सामने नीचे खड़े होते, वो ऊपर बैठे रहते। भाई ये पुलिस वाले जो है ये केवल आदेश के गुलाम है, इनको सरकार जैसे आदेश देगी, फॉरेस्ट वालों को जैसे सरकार आदेश देगी वैसा वो काम करेंगे। वो भी हमारे अपने भाई हैं, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन उनके पीछे मजबूरी है, उनको आदेश का फॉलो करना पड़ता है। इसलिए संगठन में शक्ति है, जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो पहले समझाओ, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो पहले, मतलब आवेदन निवेदन और निवेदन के बाद दे जनादन। की जो दशा है, किसान यहाँ बैठा है, अन्नदाता है, भाग बिठाता है, कैसी कंडीशन हो रही है दिल्ली के अंदर। आज हम दिल्ली छोड़ दें, हमारे अपने क्षेत्र में इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी आज हमारी बहन बेटियों की छीन हरण हो रहा, कोई भी बीच गली में उठा के ले जा ले रहा, आपके जल जंगल जमीन छीन लिया जा रहा है, आपके क्षेत्र में कई तालाब वो बनते होंगे, आप ही को क्यों उठाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी नदी बह रही है, यहाँ क्यों नहीं बनाते तालाब, क्या आदिवासियों के खेत और उसके लिए है। इसलिए विरोध करना पड़ेगा साथियों, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, संगठन में शक्ति होती है और जब तक संगठन में शक्ति, जैसे कहा
पहरेदारी ठीक नहीं थी, पहरेदारी ठीक नहीं थी गोंडवाना गणराज्य की, पहरेदारी ठीक नहीं थी गोंडवाना गणराज्य की, वरना इज्जत यूं ना लुटती ये कोयामूरी समाज की। तो पहरेदारी अब अपने हाथ में, दादा ने आपको सब कुछ दे दिया, उनने कहा कि सरकार आपकी पहरेदारी करने वाली नहीं, क्योंकि इज्जत आबरू लूट लेती है, 2-3 लाख रुपए उसको हरदाना क्षतिपूर्ति देती है, FIR हो गई हो गई। क्या यही कीमत आदिवासियों की महिलाओं की? इसके लिए समझना पड़ेगा आप लोगों को, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। गांव गांव में सारे लोग 10-10 लड़कों की अपनी टोली बना लो, सुरक्षा दल बना लो, जो गांव में घुसता है उससे पहले पूछो कहां से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसा तेरा मतलब क्या है भाई, पहले बता। पुराने जमाने में आप लोग जानते होंगे, बाहर का कोई आदमी आता था, कुटवार मुसाफरी लिखता था, आज कहां गई वो व्यवस्था, चोर ढोर को सब पहचाना जाता है। इसलिए हमारी इज्जत और आबरू की बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमारे बुजुर्गों के मान और सम्मान की रक्षा सुरक्षा भी हमारी है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की रक्षा भी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, हमारे धर्म भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। आज सबसे ज्यादा यदि कोई नुकसान है हमारे धर्म को ऊपर, तो आज ईसाई मिशनरी हाथ धो के जान से भिड़ी है आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। सरकार चुपचाप देख रही, कानून लागू कर दिया, सब कुछ बना दिया कि भाई ठीक है कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंदर बैठे बैठे वो लोग खुश होते हैं कि चलो इनकी संख्या तो कम हो रही आदिवासियों की। अभी देखो जनगणना हुई थी और अभी आने वाले समय में जनगणना होगी, पिछली जनगणना में हिंदुओं की संख्या कम हो गई, बहुत तकलीफ हुई उनको कि यार ये आदिवासी कैसे लिखने लगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, गोंडार नॉट हिंदू। आप एक जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसको हवाला देकर कह देते हो गोंडार नॉट हिंदू, तो सबसे बड़ी तकलीफ यानी जो राष्ट्रीय जो अपना देश है इसको भारतीय यानी हिंदूवादी व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा बाधा कहते थे ये आदिवासी समाज, ये गोंडवाना का गोंडियन समाज, क्योंकि ये डकर के बोल देता है कि गोंड आर नॉट हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम हिंदू नहीं है। पर उसमें एक चीज और पढ़ना, केवल गोंडों के लिए उन्होंने कहा है, और एक चीज और भी है जो बात करते हैं वो करते हैं, तो यदि उस व्यवस्था से आप नहीं चलेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है जो निर्णय दिया है उसके आधार पर आपकी जो परंपरा है आपकी जो रूढ़िवादी का परंपरा है उसके अंतर्गत यदि आप लोग नहीं चलेंगे तो आपको हिंदू बना दिया जाएगा, जो आपको आरक्षण के तहत जो भी चीज मिल रही उसको खत्म कर दिया जाएगा आपको, फिर इन्हें गोंडार नॉट हिंदू यानी आदिवासी नहीं कहा जाएगा, आपको हिंदू उसमें आ जाएगा। इसलिए हमारी जो धार्मिक परंपरा, हमारी जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा को भी हमने बचा के चलना है और अपने संस्कार में भी उसको लाना है। जैसे अपने मोहन पटेल जी ने कहा कि भाई जितने आप लोग गोंडी बोलते लड़के जो युवा है युवती है वो पढ़े लिखे खूब, लेकिन घर में आप लोग अपने बच्चों को गोंडी सिखाएं। आज यदि हमारी गोंडियन संस्कृति बची है, आज यदि जिंदा है, तो वो गोंडी भाषी क्षेत्र में बची, बाकी जहां गोंडी नहीं बोलते, हमारा दुर्भाग्य कि मुझे गोंडी नहीं आती, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां गोंडी नहीं बोली जाती, फिर भी प्रयास करते हैं। पर आप लोगों ने जो बचा के रखा, हमारी गोंडियन संस्कृति विश्व संस्कृति ऐसे ही नहीं कहलाई, जैसे ही यहाँ पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई की गई और दादा मोतीराव कंगाली ने उस संस्कृति को निकाल के बाहर लेके आया, तो उस गोंडियन संस्कृति की जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे कर्म भाभी भैया का रिश्ता होता है, हिंदू संस्कृति में अंकल जी आंटी जी, मामा मामी है तो अंकल आंटी और काका काकी है तो वही अंकल आंटी, बजाओ घंटी। इस व्यवस्था को आपको काम रखना होगा। शहर के लोग हमारे ही समाज के जो शहर में चले गए, बच्चा पैदा हुआ तो क्या होता था, उसके आजा आजी या नाना नानी नाम रखते थे, और नाम कैसे रखते थे, पंचांग से देख के नहीं, इस धरती को देख करके, इसमें जो साक्षात प्रमाण है जिसमें कोई तत्व है जो सार है उसके नाम पर रखते थे। यदि पहले तो वो ये देखते थे किस दिन हुआ रे, बुधवार को हुआ, अच्छा बुद्धू हो गया नाम,
लड़की हुई तो बुधवारी हो गई, या फिर जंगल सिंह, पहाड़ सिंह, शेर सिंह, नर्मदा प्रसाद ऐसा नाम, गजराज सिंह धार देसाला, तो जोरदार ताली बजाइए। ऐसा होता था, प्रकृति से जुड़ा हुआ नाम था, जैसे मोहन पटेल जी ने बताया बेला ऐसा चढ़ता, उसी टाइप से हमारे नाम होते। आज देहात में क्या, शहर में हमारे लोग जो शहर चले गए, उनका रहती बेटा हो गया तो इंटू चिंटू मिंटू अंटी बंटी बजाओ घंटी, उसमें ऐसे नाम नहीं, उनका कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, ये नाम रखवा दे। इसलिए हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है, हमारी कौम को इस देश में जिंदा रखना है, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए रखना है, तो हमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, धर्म को जिंदा रखना पड़ेगा और इन संस्कारों को मानना पड़ेगा। बहुत सारे यही बैठे होंगे जो शहर में चले गए, हमारे बीच के लोग जो अष्टमी कब मानते हैं, देव कब पूछते हैं, चौदस कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, नहीं पता।